छुपा नहीं है किसी से। इसीलिए यदि आपके हाथों में आज बंदूकें मिली हैं संवैधानिक दृष्टिकोण से तो उस पर इतराइएगा नहीं। यदि आपके हाथों में बंदूकें हैं ना तो इसके लिए किसी ने सीने पे गोली खाई है तब आपके हाथों के कंधों पर ये सितारे दिखाइए। हमें आंकड़ा दिखाइए, हमें आंकड़ा दिखाइए। अगर झारखंड होने से पहले कितने झारखंडी लोग डीएसपी थे, कितने झारखंडी थाना प्रभारी थे, अरे कितने झारखंडी हवलदार थे, या फिर एसआई रहे, या एसडीपीओ महोदय रहे, या एसडीएम मैडम रहे। आप लेटर हमको लिख दीजिए कि आपका बेटा भी एसडीएम बन जाएगा, हम लोग आपको बच रहे हैं। इसलिए इस बात का भी रखें और हमें सहयोग करने का चेष्टा करें। 3 दिन नहीं, 30 दिन पहले हमने घोषणा किया है बंटने का। क्यों नहीं देंगे, लेकिन 30 दिन पहले है कि बंदी है तो बंदी है। आप लोग सोच ले तो छोटा बच्चा लोग देख ले, छोटा बच्चा लोग देखिए। इसलिए आपसे आप लोग भी नैतिक समर्थन कीजिए, आप लोग नैतिक समर्थन कीजिए, ला के दीजिए डीएसपी साहब। चुपे चुपे लीजिए ना, क्या दिक्कत है। अरे सामने आइएगा तो सस्पेंड हो जाइएगा, सामने मत आइए, सामने मत। हाँ रामपाल में सस्पेंड हो गए थे, हम भी चाहते झारखंडी लोग बड़ी मुश्किल आपको मिलकर लिखना होगा। क्या आप तैयार हैं? हाँ तो जोश, इस टेम्परेचर में भी इतना जोश देखकर वास्तव में आज लग रहा है कि झारखंड की सुतल लवन जाने लगे। पिंटू श्रीवास्तव बाहरी, सुप्रियो भट्टाचार्य बाहर के, विनोद पांडे बाहर के, विनोद पांडे के बाद याद आएगा माननीय विनोद पांडे जी, बड़ा आदमी लगे फूल पाइप के लिए बड़ा सम्मान से। माननीय विनोद पांडे जी ने कहा कि आंदोलन करने वाले बीजेपी का एजेंट है। ए विनोद पांडे जी, जेएमएम बीजेपी से सरकार बना चुकी है, याद है कि नहीं है? उनको बोलेगा लाल शर्म है कि नहीं, बाजार में बेचती है क्या? सला सरकार बना बीजेपी, तब कहा था नीति और धर्म और सिद्धांत। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यदि मुख्यमंत्री पे ज्यादा टॉर्चर हुआ तो 2024 में भी जेएमआर और बीजेपी का लव देखने को मिलेगा, ट्रू लव। आंदोलन का जी, और ये 740 की नियोजन नीति बीजेपी की, और यदि जेएमएम भी उसी नीति का सपोर्ट करती है तो घंटा सरकार का बनेगी। यदि आपसे राजतंत्र सत्ता नहीं चलती है, आप खाली कीजिए, जनता सिंहासन का फैसला खुद कर लेगी, तो खाली कीजिए, ज्यादा लंबा लिफाफा कहने की कोई बात नहीं। इसलिए आज चाहे 60-40 रहे, या जमीन संबंधित विवाद रहे, या निजीकरण के क्षेत्र, तो स्पष्ट शब्दों में आज हमें 1-4 नहीं खतियान आधारित रोजगार चाहिए। हमें पूरे राज्यवासियों को आज इस जो स्थिति है राज्य की उस पर सोचना है। हमारी नया पीढ़ी आपको भी, और जैसा कि सूचना मिली है गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है, डरिएगा नहीं। माननीय एसडीपीओ महोदय का सम्मान कीजिएगा, हमारे बीच से हैं, उनकी नौकरी नहीं जाए इस बात का ध्यान रखिएगा। बस में उतना जगह नहीं है, हम तो कहेंगे होट वाला बस ले, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, एक पैसा, क्योंकि ये शक्तिनाथ महतो की मिट्टी है।
गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तब तीसरी पीढ़ी राज करेगी। अरेस्ट कर रहे हैं, रेडी हैं हम लोग, तैयार हैं। एक बार कहेंगे कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड, कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। हिम्मत बरकरार है ना, बरकरार है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सके लाठीचार्ज की भी संभावना होगी, हमें पालेगा, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है। यदि ये जलियांवाला बाग को भी दोहराते हैं, दोहराने दीजिए, हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई दीमक लगे उस सिस्टम से है जो हमारे सपनों को बेच रही है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो हमारे बच्चों के भविष्य को बेच रही है। आज उसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सभी तैयार हैं, आज एम्बुलेंस आ रही है, रास्ता दे लेंगे, जितने भी हमारे आंदोलन गाड़ी साथी है एम्बुलेंस का रास्ता देंगे, कितना का रास्ता बनाएंगे, एम्बुलेंस के लिए 2-3 वॉलंटियर जाके एम्बुलेंस के लिए रास्ता बनाए, एम्बुलेंस का रास्ता देंगे, एम्बुलेंस के पास जाएंगे 10 वॉलंटियर कम से कम, और तत्काल में एम्बुलेंस का रास्ता देंगे। रुपेश जल जल मेडियन गाड़ी रेडी भाई गलर पे देखिए, गाड़ी रेडी भाई गलर। हाँ ये कपड़ों ने लोग गलियां निकाल के ले गए हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ नहीं लगाएंगे, 5-4 साथी काफी हैं। डुमरी है दादा, डुमरी बहुत बहुत धन्यवाद आंदोलनकारी साथियों। इसी प्रकार अगर कोई इमरजेंसी का विषय सामने आए तो हमें कोऑपरेट करना है, आंदोलन के साथ साथ हमें थोड़ी सी जनभावना का भी ख्याल रखना है, बाकी जिन लोगों को हमारे कारण डिस्टर्ब हुआ है नहीं पड़ेगी, हम लोग कोऑपरेट करते ही आपको रास्ता दे देंगे। और पीछे को स्विफ्ट के रोड में से साइड कर लीजिए, आपसे निवेदन होगा। बत्तीस 18 दिन का भी थोड़ा साइड कर लीजिए, बीच रोड में है थोड़ा साइड कर लीजिए, ताकि अगर कोई इमरजेंसी केस हो तो हम लोग भी कवरेज कर पाए। 38-18 दिन का भी तो चलिए साथियों, आप थोड़ा सा कानूनी बातें, क्योंकि अब हम लोग भी अपने अंतिम पड़ाव की ओर हैं, काफी गर्मी है, इसके बाद 2-3 जगह हमें फिर सभाओं को संबोधन भी करना है। प्रशासन,